एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। एज आई नो दैट कि आपका 9 को एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही है। दो चैप्टर बाकी है, आज एक अपलोड होगा और कल होगा, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बनाते हुए अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा करके आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो मनी मार्केट का रोल क्या है? बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं मनी मार्केट है क्या। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ जो लोगों को शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा देती है ना, बोरो कराती है, तो वो है मनी मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर रोल्स क्या क्या है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन की वीडियो मैंने वन शॉट वाले वीडियो में डाली हुई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो जिनकी भी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होती है वो मनी मार्केट प्रोवाइड कराता है। किस पे? रीजनेबल एक्सेस पे, और बोरो फॉर द बोरो एट रियलिस्टिक, जो रियल प्राइस होती है उस पर बोरो कराता है। दूसरा है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एज यू ऑल नो दैट कि मनी मार्केट क्या है, एक डायनामिक मार्केट है, तो वो क्या फैसिलिटेट करता है, इट फैसिलिटेट बेटर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी इन दी इकोनॉमी बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी से लिक्विडिटी और मनी दोनों को ही अच्छे बेटर मैनेजमेंट करता है, एंड दिस इन टर्न लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड कंट्री का डेवलपमेंट भी होता है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड रोल क्या है मनी मार्केट का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जैसे कि मनी मार्केट डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डिज़ाइंड टू सूट रिस्क एंड रिटर्न एंड प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर। तो इस तरीके से इसके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पर डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके, और ज़्यादातर ये हेल्प करता है रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड मैक्सिमाइज रिटर्न देने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ वन इज़ इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म। जितना डिमांड है उतना सप्लाई मार्केट में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये इसको बैलेंस करने का काम, इक्विलिब्रियम करने का काम जो है मनी मार्केट करता है। सो थ्रू रैशनल एलोकेशन रिसोर्सेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट चैनल, मनी मार्केट हेल्प टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की समटाइम जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है उसको भी मनी मार्केट फुलफिल करता है। तो वो कौन से फॉर्म में होती है? बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होती है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जब बनती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को भी हेल्प करती है। अब सबको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, एंड इनका एम होता है इज़ टू मैनेजिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट। जितना पैसे का रिक्वायरमेंट है देश में उतना पैसे को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ करना, या उतने पैसे का मनी का फ्लो करना जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पीसफुली हो सके, एंड अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और इट गाइड द सेंट्रल बैंक डेवलपमेंट। और ये क्या करता है, डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक को एक अप्रोप्रिएट डेटा देता है जिसकी वजह से वो एंड अच्छी पॉलिसी बना पाते हैं। कौन सी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी बना पाते हैं। ठीक है, सो सेवेंथ वन इज़ इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ कैश। कैश का यूज़ बहुत बेहतर तरीके से करता है। सो मनी मार्केट डील विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। पैसा तो नहीं होता है बट पैसे की तरह ही काम करता है ऐसा, या फिर ऐसा मनी होता है, एक्चुअल मनी कभी नहीं होता है। सो इसीलिए मनी मार्केट इकोनोमाइज करता है यूज़ ऑफ कैश का। एट्थ वन इज़ ग्रोथ करता है कॉमर्स का, इंडस्ट्री का एंड ट्रेड का। सो मनी मार्केट फैसिलिटेट्स डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लोकल इंटरनेशनल ट्रेडर एंड
जिसकी वजह से उन्हें अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड जो है वो फुलफिल हो पाती है, और ऑल्सो ये प्रोवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये है कि ये उन पैसे उनको भी पैसा प्रोवाइड कराते हैं जो लोकल या फिर इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जिससे उनकी शॉर्ट टर्म जो नीड्स होती है ऑफ अ मनी वो फुलफिल होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन हुआ। क्वेश्चन नंबर टू है, क्या टू है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहला इनका इनका जो रोल है मार्केट में वो क्या है, लॉन्ग टर्म सेविंग को मोबिलाइज करना। ठीक है, सो देर इज़ एन इंक्रीज डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट, बट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशियंट टू मीट हिज ग्रोइंग डिमांड। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, और फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो आज के टाइम में बहुत ही इनसफिशिएंट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। सो कैपिटल मार्केट क्या करता है, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर्म वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ये जो कैपिटल मार्केट है वो पैसे को लॉन्ग टर्म सेविंग को क्या मोबिलाइज करने का काम करता है थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी में कौन कौन सा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करने के साथ साथ शेयर कैपिटल भी प्रोवाइड कराता है किसको, एंटरप्रेनर को, जिससे वो परचेस कर सके और परचेस कर सके एसेट को और अपने बिजनेस ऑपरेशन को फंड कर सके और स्मूथली उसे रन कर सके। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो जितना भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का होता है उनको भी बेटर तरीके से करना, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो ये इनका मेन होता है। सो कैपिटल मार्केट हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जितना जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है उसको कम करना, फिर जो ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना, और जो भी सेटलमेंट की प्राइस है ऑफ अ परचेज और सेल उसे लो कम करना, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो प्रॉपर तरीके से परचेस कर सके। क्विक वैल्यूएशन, कोई भी ऐसा कोई भी कमोडिटी है या स्टॉक है या बॉन्ड है डेप्थ है, उनका इजी वे में या फेयर वे में वैल्यूएशन करना। सो कैपिटल मार्केट हेल्प टू डिटरमाइन अ फेयर एंड क्विक वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ बोथ फॉर इक्विटी एंड डेप्थ एज वेल। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। सो कैपिटल मार्केट लीड्स टू इंटीग्रेशन अमॉन्ग रियल एंड इन फाइनेंशियल सेक्टर्स, इक्विटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक एक्सटर्नल। तो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि फाइनेंशियल जो कैपिटल जो मार्केट है वो लीड करती है रियल के साथ साथ, रियल वर्ल्ड रियल इंसान के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को भी, गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ठीक है, तो ये थे फाइव रोल्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के फंक्शन पढ़ने से पहले आरबीआई के बारे में हम कुछ जानते हैं, उसके डेफिनेशन को जानते हैं, इंट्रोडक्शन को जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होती है जो कि सारे बैंकिंग सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाती है और वो इंटरेस्ट करती है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स ऑल द बैंक्स, उसे सारे बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करती है और जितने भी मनी मार्केट है कंट्री में। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की सेंट्रल बैंक है, एंड ये आरबीआई जो है वो रिकमेंडेशन से सेटअप हुई थी ऑफ हिल्टन योंग कमीशन, एंड आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड किया गया था, 1934 को आया था, एंड प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है कमेंस्ड हुआ था, मतलब ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, मतलब 1934 को रिकमेंडेशन से आया तो था बट उसका यूज़ एक्चुअल होना स्टार्ट नहीं किया हुआ, बट उसका ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल
1935 से एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक. सो आरबीआई वाज नेशनलाइज. आरबीआई नेशनल बैंक कब हुई? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, हमारा देश आज़ाद होने के बाद. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. डेफिनेशन की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों डेफिनेशन ईजी है, लेकिन हम सेकेंड डेफिनेशन को लेंगे. प्रोफेसर डब्ल्यू ए शॉल कहते हैं, सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट. सारे बैंक के सिस्टम्स को, सारे जितना भी इकोनॉमी में पैसा, उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो किसके पास है? वो आरबीआई के पास है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास है. तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो करेंसीज को इशू कर सकती है, यानी कि पब्लिश कर सकती है. नोट छापने का जो राइट है वो आरबीआई के पास है. तो आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू द नोट, करेंसी नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपीस. क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ और 1 कॉइन का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था स्टार्टिंग में. उन्होंने, अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो पहले उनके पास था, बट और उन्होंने ही इसे इस्टेब्लिश किया था, मतलब इसे इशू किया था. तो इसका राइट इनके पास नहीं है. बाकी 1 रुपये के नोट और सिक्के के अलावा सारे जितने भी डिनोमिनेशन है ऑफ करेंसी, वो सब आरबीआई इशू करती है. सो एज़ पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्या है, 1957 को ये सिस्टम आया. इसमें क्या होता है कि आरबीआई को कुछ तो रिजर्व करके रखना पड़ता है हर साल. तो जो मिनिमम गोल्ड होता है या फॉरेन एक्सचेंज 200 करोड़ का एटलीस्ट होना चाहिए. इसमें जो 115 करोड़ होता है वो गोल्ड का होता है रिजर्व, और 85 करोड़ का जो रिजर्व होता है वो फॉरेन करेंसी का होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम पे रिजर्व रखा जाता है, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकर्स टू द बैंक. हर बैंक की बैंक है आरबीआई. जितने भी बैंक है कंट्री में, सारे बैंक की जो मदर गॉड है, या कह सकते हो जो सबसे बड़ी बैंक है, वो है आरबीआई. सो आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हर तरीके से एडवाइस करती है इन टर्म्स ऑफ पैसा. इट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की बिजनेस को भी देखती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी. इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दीज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसे का पेमेंट भी करती है आरबीआई. सो इट ऑल्सो अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ. जितना पब्लिक डेप्थ होता है, पहली बात तो पब्लिक डेप्थ होता क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी कर्जे होते हैं, उधार होते हैं, उसे पब्लिक डेप्थ कहा जाता है. एंड इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशू. जितने भी इकोनॉमिक इशू होते हैं वो आरबीआई बताती है टू द गवर्नमेंट. अब नेक्स्ट आता है, बैंकर्स बैंक. अब सेकेंड पॉइंट क्या था, बैंकर टू द गवर्नमेंट. तो जितने भी बैंक्स हैं, मतलब जो बैंक है वो गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से रहती है ना, क्या क्या काम करती है. अब थर्ड पॉइंट आता है कि बैंकों की भी बैंक है, बैंकर्स बैंक, ठीक है. सो आरबीआई एक्सरसाइज ट्रेजरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक. तो जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सब पे जो पूरा अधिकार है वो आरबीआई का होता है. ऑल सेंट्रल बैंक आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टन मिनिमम कैश रिजर्व. अभी ऊपर हमने देखा था मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो आरबीआई से ही चला है, तो हर बैंक को ये सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है. किसके लिए? विद आरबीआई अगेंस्ट द डिमांड एंड लाइबिलिटी. एंड आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑफ एलिजिबल बिल लोन्स एंड एडवांस. जो भी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आरबीआई के पास जाता है. नेक्स्ट आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, जब बाहर के देश से किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को देखने का काम, या फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने का काम, या फॉरेन एक्सचेंज कितना होगा ये डिसाइड करने का राइट सिर्फ आरबीआई को है. सो आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इट हैज़ टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज. मतलब
$1 के अकॉर्डिंग इंडियन रुपी का रेट कितना होगा ये डिसाइड करने के बाद करने का काम RBI के पास होता है. RBI also undertake to buy and sell the currency of all the members of International Monetary Fund. जितने भी देश से हमारा देश ट्रांजैक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का बाय सेल करने का, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अंडर द RBI. नेक्स्ट आता है क्रेडिट कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है. जितना भी क्रेडिट है इकोनॉमी में उन सबको कंट्रोल करने का काम RBI का है. एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ RBI कंट्री, RBI हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक. इट ऑल्सो मॉनिटर द पर्पज और यूज़ ऑफ क्रेडिट. तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो क्वांटिटेटिव मेथड है जहाँ पे बैंक रेट से रिलेटेड चीज़ें होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, वेरिएबल्स रिजर्व रेशो होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है, SLR होता है, स्ट्रक्चरल लिक्विड रेशो होता है, और जिससे वॉल्यूम क्रेडिट वॉल्यूम को क्रिएट किया जाता है और कंट्रोल भी किया जाता है, सॉरी कंट्रोल किया जाता है. क्वालिटेटिव मेथड में जहाँ पे आता है फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, मॉरल सैचुएशन, ये सारी चीज़ें आती है. फॉर व्हाट पर्पस, टू रेगुलेट द पर्पस और यूज़ ऑफ क्रेडिट, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना या यूज़ ऑफ क्रेडिट करने के लिए. नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन और डेटा पब्लिश. तो जितना भी डेटा कलेक्ट होता है वो RBI कलेक्ट करती है, उसे कंपाइल करती है, उसके स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को और पब्लिश करने का काम अथॉरिटी भी सिर्फ RBI के पास ही होता है. अगला पॉइंट है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस. तो जितने भी प्रमोशनल या डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं वो भी RBI के अंडर आते हैं. तो RBI और क्या करती है, परफॉर्म सर्टेन प्रमोशनल डेवलपमेंट फंक्शन. कौन कौन से, एक्सटेंडिंग बैंक सर्विस टू सेमी एंड अर्बन एरियाज, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिटर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक एग्रीकल्चर क्रेडिट और फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंस. नेक्स्ट आता है अदर फंक्शन क्या क्या हैं. तो RBI एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलिंग द अकाउंट बिटवीन इट्स मेंबर बैंक. तो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बैंक एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी. जो बैंक के पास जो बैंक डूबने वाली होती है, जैसे आज से कुछ सालों पहले यस बैंक जो है वो डूबने वाली थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, तो उस टाइम पे उस बैंक को फाइनेंशियली असिस्टेंट करने का काम जो किसने किया, वो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने किया और भी बहुत सारे बैंक को इंकरेज किया कि उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करें. तो फोर्थ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या है, ये एक तरीके की इंटरमीडिएटर है जो इन्वेस्टर्स और सेवर को साथ में लेकर आती है जिससे अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सके. और इनका जो मेन होता है वो प्रॉफिट सेकिंग नेचर होता है, इनको सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना होता है. एंड ये क्या करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लोन को ग्रांट करते हैं, एडवांसेस प्रोवाइड कराते हैं, ये इनके प्राइमरी फंक्शन है. सो कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजेशन सेविंग एंड एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. इट इंक्लूड बोथ, एक तो शेड्यूल बैंक जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आती है, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक जो अपने हिसाब से चीज़ें चलाती है. तो शेड्यूल बैंक को सेकेंड शेड्यूल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के थ्रू बताया गया है. इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप एंड फंक्शन कमर्शियल बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी. पहला है पब्लिक बैंक, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट, तीसरा रीजनल रूरल बैंक और फॉरेन बैंक. पब्लिक सेक्टर वो बैंक है जो गवर्नमेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट बैंक है. दूसरा है प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट बैंक है जिनका प्रॉफिट सीकिंग नेचर होता है. तीसरा है रीजनल बैंक है जो आपके आसपास एरिया में ही लिमिटेड जोन में मिल जाएंगे, फॉरेन बैंक आप सब लोग जानते हो. तो सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आया है. सो बैंकिंग मीन्स क्या, बैंक क्या करती है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, पैसा उधार देना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या पैसे को डिपॉजिट करना फ्रॉम पब्लिक, या जो भी उन्होंने लोन, जो भी उन्होंने पैसा जमा किया है उसको रीपे करना, या रीपे करना इन द विद द हेल्प ऑफ बाई चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज. सो
दूसरे डेफिनेशन भी है, प्रोफेसर क्रैन क्रॉस कहते हैं अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर, अ डीलर इन लोन एंड डेप्थ। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, सबसे पहला ये लोन्स डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। इसमें दो टाइप के डिपॉजिट होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो डिमांड के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट होता है, या सॉरी डिमांड के अकॉर्डिंग विड्रॉ होता है। जब आपकी डिमांड है आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें दो टाइप है, पहला है करंट अकाउंट है, दूसरा सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट यूजुअली वो लोग ओपन करते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं या कॉरपोरेशन वाले होते हैं या इंडस्ट्रियल हाउसेस बड़े बड़े ट्रस्टीज़ होते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, विड्रॉवल इन एक्सेस ऑफ इन द बैलेंस ऑफ इन द अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में अगर 50,000 है तो आप 60,000 भी विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सेविंग अकाउंट, ये वो लोग ओपन करते हैं जिनका सैलरी बहुत कम होता है, सैलरी वाले या स्मॉल ट्रेडर्स ओपन करते हैं। ये अपने विश से ही, मतलब अपनी इच्छा से बैंक को अकाउंट को ओपन करते हैं ताकि वो अपने सेविंग को सेव कर सकें। दूसरा आता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में हम देखते हैं हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। अब ये दो टाइप है, एक रिकरिंग डिपॉजिट है, दूसरा फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, वेयर कस्टमर डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल, हर दो साल में या हर पाँच महीने में, चार महीने में, तीन महीने में आप पैसे कुछ ना कुछ हर एक इंटरवल पे पैसा डिपॉजिट करते हो, ऐसा डिपॉजिट को रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। पर जो पैसा आप बहुत सालों के लिए डिपॉजिट करते हो एक इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए बैंक से, उसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। दूसरा क्या है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कराती है, यानी कि कस्टमर को लोन देना, एडवांसेस देना, ये भी इनका एक काम है। दूसरा, बैंक कंज्यूमर को एंसिलरी फंक्शन प्रोवाइड कराती है। एंसिलरी फंक्शन क्या होता है, जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ फंड की फैसिलिटी देना, कलेक्शन ऑफ मनी की फैसिलिटी देना, या पीरियडिकली आप पेमेंट को, पीरियडिकली आप पेमेंट जो है ट्रांसफ़र करते हो कंज्यूमर के साइड से, या उन्हें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, सेफ डिपॉजिट लॉकर, डीमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराती है बैंक उसके कस्टमर को, ऐसे फंक्शन को एंसिलरी फंक्शन कहा जाता है। अब अगला पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन, एंड ये लास्ट पॉइंट है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, जहाँ पर वो पैसे बनाती है। कैसे बनाती है, क्योंकि उन्हें क्रेडिट क्रिएटर्स भी कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के थ्रू, क्योंकि ये इनका प्राइमरी डिपॉजिट है। सो आफ्टर द मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट आउट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, द बैंक द बैलेंस अमाउंट इज़ यूज टू गिविंग लोन्स एंड थस सेकेंडरी डिपॉजिट आर डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रिएटेड आउट ऑफ गिवन लोन बाय द बैंक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जब आप बैंक ओपन करते हो, when the bank provide loan to its customer and the loan amount is created into bank account to the customer and the bank that receive the loan amount at the depositor is keep a certain portion of in the form of reserve after the meeting the reserve requirement and the bank lend the remaining amount, this procedure is followed by the एंटायर बैंकिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ। कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट आउट ऑफ लोन गिवन देयर बाय लेंडिंग टू क्रिएशन। अब इसका सिंपल से बताती हूँ, जब कोई कंज्यूमर बैंक में अकाउंट ओपन करता है ना, उसको लोन चाहिए होता है, तो उस बंदे को लोन देने के बाद अभी स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि RBI को कुछ रिजर्व देना पड़ता है बाय एवरी बैंक। तो वो क्या करती है, उस रिज़र्व को साइड में रख के फिर जो बाकी का बचा हुआ पैसा होता है वो लोन के फॉर्म में जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कराती है। तो या ये थे हमारे चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाइए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग।